हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाए हैं लौकी और चना की दाल का रेसिपी। ये गर्मी का समय है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो एक बार जरूर ट्राई करें मेरे इस रेसिपी को, और सबको बहुत पसंद आएगा। तो आइए फुल रेसिपी को देखते हैं कैसे बनाए हैं रेसिपी को। और बहुत जल्दी और झटपट बन जाती है, ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं लगता है चना की दाल और लौकी बनाने में, और स्वादिष्ट भी उतनी है। तो आइए फुल रेसिपी को देखते हैं कैसे बनाए हैं। रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 100 ग्राम चने की दाल ले लिए, और 2 घंटा पहले जो है हम धो के थोड़ा सा इसको छोड़ दिए थे पानी में, तो ये अच्छे से फूल चुका है, देख सकते हैं। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप तुरंत भी धो के बना सकते हो। तो आइए फिर इसको जो है पहले पका लेते हैं। तो हम अपनी ज़रूरत हिसाब से पानी दे दिए हैं, जितना हमें ग्रेवी रखना है उसी हिसाब से अब इसको कुकर में डाल देंगे। कुकर में डाल दिए हैं, अब हल्दी दे देंगे और दे देंगे स्वाद अनुसार नमक। और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको हम जो है 4 सीटी लगाएंगे, मीडियम फ्लेम में 4 सीटी लगाएंगे, तो हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं दाल का क्या पोजीशन है। दाल देखने में लग रहा है टूट के अलग हो गया, देख सकते हैं दाल जो है टूट टूट के अलग हो गए हैं। अब जो है इसके अंदर हम लौकी काट के रखे हैं, लौकी दे देंगे, थोड़ा मोटे मोटे काटे हैं लौकी को। अब जो है हम 1 सीटी लगा देंगे, फुल फ्लेम में 1 सीटी लगा देंगे, तब हमारा लौकी जो है पक जाएगी, और जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद फिर हम कुकर को ओपन करेंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, और लौकी भी जो है उबल चुका है। अब इसको 2 मिनट हम यूं पकाएंगे, ओपन करके 2 मिनट पकाएंगे। तो 2 मिनट पका लिए, आप तड़का देंगे। तो एक कढ़ाई चढ़ा दिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो चुका। अब हम इसमें करीब 1 चम्मच सरसों का तेल दे दिए, तेल गर्म हो चुका, दे देंगे थोड़ा जीरा, 1 तेज़पत्ता और 1 सूखा मिर्चा। और यहाँ पे 1 प्याज को काट के रखे हैं, और 2-3 कली लहसुन को काट के रखे हैं, दे देंगे। प्याज को हम तरीके से काटे हैं, आप अपना हिसाब से काट लीजिए। प्याज को जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, प्याज जो है फ्राई हो चुके, कलर आ चुका। यहाँ पे हम 1 टमाटर काट के रखे हैं, टमाटर को भी हम छोटे छोटे काट रहे हैं, तो टमाटर को भी दे देंगे, और हल्का सा हम नमक दे देंगे। अभी टमाटर जो है हमारा अच्छे से उबल जाए, तो टमाटर का देने के बाद 2 मिनट हम और फ्राई करेंगे। टमाटर को 2 मिनट हम फ्राई कर लिए, अब दे देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, और दे देंगे थोड़ा जीरा पाउडर। तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर दे दिए और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर दे दिए। अब भुना हुआ जीरा का भी पाउडर का यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे कच्चा जीरा का जो पाउडर है वो हम दे दिए हैं। तो कुछ देर हम और चला लिए, 2 सेकंड चला लेते हैं। अब जो है तड़का मेरा रेडी है, अब हम जो है दाल को दे देंगे। तो दाल गिरा दिए हैं, अब जो है दाल गिराने के बाद 2 मिनट हम और पका लेंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में बताएं मेरी रेसिपी आप सबको कैसे लग रहा है।
अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। 2 मिनट हम और पका लेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा चीनी दे देंगे तो थोड़ा ये मीठा मीठा लगेगा, जो कि हमारा लौकी है थोड़ा मीठा मीठा लगेगा, खाने में और भी स्वाद आएगा। फिर से हम चला देंगे। तो 2-3 मिनट पकाने के बाद दाल मेरा देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, ऐसे हम गड़े गड़े रखे हैं। तो फ्रेंड्स निकाल लिए, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी उतना स्वादिष्ट है। तो एक बार जरूर ट्राई करें। सब लोग स्वस्थ रहे। बाय।